गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. इन माय फर्स्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट सम मॉडल्स कैन कुड ऑट एंड नीड. बट आफ्टर सीइंग योर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप आई हैव ऑन द कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ यू हैव अ लिटिल बिट डाउट ऑन द यूज ऑफ नीड. सो अवर टुडे टॉपिक इज नीड एंड देयर, द यूज ऑफ नीड एंड देयर एज अ मॉडल. एज वी ऑल नो दैट नीड एंड देयर आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मॉडल्स. नाउ व्हाट इज सेमी मॉडल्स? दे बोथ आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स बिकॉज we use need and dare as a main verb and as a modal also. आपके जितने भी मॉडल्स हैं can, could, should, ये आप as a main verb use नहीं कर सकते हैं, लेकिन need and dare का use हम as a main verb use करते हैं, इसीलिए इन्हें semi modal कहा जाता है. अब doubt ये है मन में कि हम as a modal need and dare का use कैसे करेंगे. हम किसी भी एक सेंटेंस को जिसमें dare या फिर नीड का यूज किया जा रहा है तो उसे हम दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी एंड एज अ मॉडल भी. जैसे ये सेंटेंस है आपका, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं रखता है. एज अ टेंस हम इसमें लिखेंगे ही डज नॉट डेयर, बिकॉज हियर डेयर इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब. ही डज नॉट डेयर टू गो देयर. और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एज अ मेन वर्ब देयर और नीड का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. और सेम इसका ऑपोजिट मॉडल में होता है, हम वहां टू का यूज अवॉइड करते हैं. ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, बट एज अ मॉडल ही डेयर नॉट गो देयर. ही डेयर नॉट गो देयर, यहां हम टू का यूज अवॉइड करेंगे. तो हमने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बनाया है, एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल. सेम ऐसी हम एक सेंटेंस और ले सकते हैं, अगर आप व्यस्त हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं है. इस सेंटेंस को एज अ मेन वर्ब, अगर आप व्यस्त हैं, इफ यू आर बिजी, तो आपको आने की जरूरत नहीं है. यू Do not need to come. As a main verb इसका यूज किया गया है, इसलिए हमने need के बाद to का यूज और verb की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया है. लेकिन अगर हम इसे सेंटेंस को एज अ मॉडल यूज करते हैं तो if you are busy, you need not. नीड का यूज दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं सेम सेंटेंस के लिए, एज अ मेन वर्ब भी और एज अ मॉडल भी यूज करते हैं. एज अ मॉडल हम उसके बाद कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, और एज अ मेन वर्ब हम हमेशा डेयर और नीड के बाद टू का यूज करते हैं. और एक चीज और कि डेयर और नीड का यूज हम एज अ मॉडल कहां कहां कर सकते हैं. डेयर का यूज एज अ मॉडल हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं, और नीड का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और पास्ट और फ्यूचर में नीड का यूज नहीं किया जाता है. एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे अगर कोई सेंटेंस पास्ट में आया है और वहां डेयर का यूज हुआ है तो डेयर को हम डेयर लिखेंगे, डेयर नहीं लिखेंगे. क्या उसकी हिम्मत वहां जाने की थी? डेयर ही गो देयर, क्या उसकी हिम्मत वहां जाने की थी? तो यहां हम डेयर में ईडी को ऐड करके, तो डेयर बना के डेयर को ही एज अ मॉडल यूज किया हमने यहां पे. डेयर ही गो देयर, टू का यूज हमें एज अ मॉडल इन मॉडल में अवॉइड करना है. तो इसके बेस में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए. अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.